Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास ओप्पो का A79 5G है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली है इसी फोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर्स जिनका यूज करके आप इस फोन को शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे। स्क्रीन ऑफ होती है फोन की, आप भी स्वाइप करते हैं आपकी फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इस तरह से आपको लॉक स्क्रीन पे बहुत सारे कंट्रोल देखने को मिलते हैं जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे जो भी आपको एक्सेस करना हो। तो ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर इस फोन में आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस फोन के अमेजिंग हिडन फीचर के बारे में। आप इस फोन के स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको मिल जाएगा डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन करने पे आप स्क्रीन को डबल टैप करा के लॉक कर सकते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके ऑन भी करा सकते हैं। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करना है, जिसके बाद आपको मोर पर जाना है। मोर पर जाने के बाद यहां से आप इसको स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये फीचर देखने को मिलेगा यहां पर, जो कि रहेगा डबल टैप टू बैक ऑफ टर्न ऑफ स्क्रीन। इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को लॉक करने के लिए आप डबल टैप करके लॉक करा सकते हैं। स्क्रीन को ऑन करने के लिए डबल टैप करके आप ऑन करा सकते हैं। इस फोन में आपको राइज टू बैक का फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे आप फोन को पिकअप करेंगे फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद साइड जाने पर मोर पर क्लिक कर लीजिए। यहां पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है राइज टू बैक। इस फीचर को ऑन करने पे आपका फोन कुछ इस तरह से रखा होगा, तो जैसे आप इस फोन को पिकअप करेंगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हैं। आप इस फोन में 7 डिफरेंट तरीके से स्क्रीन शॉट को बना सकते हो। इस फोन में 3 फिंगर से डाउन करते हैं तो आप इस फोन में स्क्रीन शॉट को ले पाएंगे। अगर आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीन शॉट को लेना चाहते हैं तो वो भी फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आप एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक करके या स्क्रॉल पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो जाता है। आप अपने हिसाब से भी इसको लॉन्ग करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए इस फोन में क्रॉप स्क्रीनशॉट तो वो भी फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड कीजिए। अब आपको यहां पर कितना एरिया सेलेक्ट करना है क्रॉप स्क्रीनशॉट के लिए वो आप कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे आप देखो कि आपका क्रॉप स्क्रीनशॉट सेलेक्ट हो गया। यहां पे कुछ एडिट ऑप्शन आपको मिल जाएगी, जैसे किसी चीज को ब्लर वगैरह करना हो तो ये सब फीचर्स भी आपको एडिट ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। यहां क्लिक करके आप इसको सेव करा सकते हैं। इस फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को आप एक साथ प्रेस करते हैं तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाते हैं। इस फोन में आप सर्कल टाइप स्क्रीनशॉट बना पाएंगे, जिसके लिए आपको 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करना है स्क्रीन पर। यहां आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब जिस एरिया का आपको सर्कल टाइप मतलब गोल टाइप स्क्रीनशॉट बनाना है इस तरह सेलेक्ट करके इस आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आपका इस तरह का स्क्रीनशॉट भी इस फोन में सेव हो जाएगा। आप एरिया को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल इस तरह से आपको 3 फिंगर से होल्ड करके यहां पर आपको क्लिक करना होगा, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने रहेगा। जैसे कि आपने प्रेस एंड होल्ड किया तो यहां पर क्लिक कीजिए। अब जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो आप कुछ इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोन का जो कंट्रोल पैनल है यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट का फीचर देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे एप्स देखने को मिल जाएंगे। फेवरेट एप्स को आप ऐड कर सकते हो, वहीं पर आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाता है। तो उसको ऑन करने के लिए चले जाइए फोन की सेटिंग में, यहाँ से इसको इस तरह से स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको स्पेशल फीचर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्ट स्लाइड बार, इस पर आप क्लिक कीजिए और इसको से ऑन कर दीजिए। अब ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट स्लाइड बार, तो इसको आप इस तरह से ओपन कराइए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट फीचर मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ एप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर इन एप्स को भी आप एडिट कर सकते हो। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार में बहुत सारे फीचर ऐड करने का फीचर देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ से इस तरह से ओपन कराइए। कुछ एप्स आपको ऑलरेडी देखने को मिलेंगी। एडिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से किसी को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, एंड यहाँ पर क्लिक करने पर आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो किसी भी फेवरेट एप्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जो भी आपके यहाँ पे ओपन कराना हो तो आप यहाँ से इनको इस तरह से डन करा दीजिए। अब कभी भी ये एक्सेस करना हो तो इस तरह से आप इनको ओपन करा के डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके फ्लोटिंग विंडो में ऑन होते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आप एक ही स्क्रीन पर दो एप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, ये भी फीचर अवेलेबल रहेगा। तो किसी भी एक एप्स को ओपन कर लीजिए, जिसके बाद आपको 3 फिंगर से इस तरह से आपको अप करना होगा, जिसके बाद आप देखोगे आपके फोन की स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाती है। अब बैकग्राउंड में आप किसी दूसरे एप्स को ओपन करा लीजिए तो देख सकते हो दो एप्स एक साथ यहाँ पे आपके ओपन हो गए हैं। इसके अलावा आप चाहे तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर भी कर सकते हैं, जिसके लिए इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आप ये सेट कर पाएंगे। किसी एक एप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना है तो आप इस तरह से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिसको ऑन करने पे किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो के लिए ऑन करा सकते हैं।
पहले किसी भी एक ऐप्स को ओपन कर लीजिए जो भी आपको फ्लोटिंग विंडो में ऑन करना है, जिसके बाद रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक कर लीजिए, फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक कीजिए। अब आपका ये ऐप्स कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। बैकग्राउंड में आप कोई भी काम कर सकते हैं, ये आपका फ्लोटिंग विंडो ऑन रहेगा। इसके अलावा आप इसको पॉपअप में भी यूज कर पाओगे, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसे हटाना है तो आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए, आपका पॉपअप में भी चला जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप रिसाइज कर पाएंगे या क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से फुल स्क्रीन भी आप यूज कर सकते हैं। इस फोन की जो फ्लैश लाइट है आप उसको लॉक स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन पे ही ऑन करा पाओगे विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए। इस फीचर को ऑन करने के लिए चले जाइए फोन की सेटिंग में, यहां से कर लीजिए इस तरह से स्क्रॉल डाउन, स्पेशल फीचर पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा जेस्चर एंड मोशन। यहां क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको ये फीचर देखने को मिलेगा बी वाला, इसको ऑन करके रखिए। आप कभी भी फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो स्क्रीन ऑफ पर आपको बी स्वाइप करना है। अब आप देखोगे फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। इसके अलावा आप यहां पर और भी एप्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपको कैमरा एप्स ओपन कराना हो लॉक स्क्रीन से ही, तो आप इस फीचर को यहां से ऑन कर दीजिए, आप स्क्रीन पे ओ बनाएंगे आपका कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा। आप म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए, तो आपको इस फीचर को यहां से ऑन करना होगा। अब गाने को प्ले करने के लिए विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए स्क्रीन पर टू फिंगर से डाउन करना है, गाने को आप इस तरह से क्लिक करने पर चेंज कर सकते हो, वापस पीछे वाला गाना इस तरह से आप यहां पर ओपन करा सकते हो। तो इस तरह से आपको ये फीचर देखने को मिलते हैं। एंड यहां पर आप अपने हिसाब से भी किसी एप्स को आप सेट कर सकते हो, एंड बहुत सारे आपको जो कंट्रोल है वो भी देखने को मिल जाते हैं। जिसके लिए आप मोर पर क्लिक करने के बाद पहले इस फीचर को यहां से ऑन कीजिए। इस साइड जब क्लिक करते हैं तो तीन डिफरेंट फीचर मिल जाएंगे, अनलॉक, कॉल एंड ओपन एप्स। अगर आप अनलॉक पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप ये स्वाइप करेंगे आपका स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को आप कॉल करना चाहते हैं ये स्वाइप करने पर, तो आप यहां से वो भी सेट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट में से कोई भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट उसकी कॉल लग जाएगी। इसके अलावा ओपन एप्स पर जाने के बाद आप अपना फेवरेट एप्स भी यहां पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्ले स्टोर को यहां पर सेलेक्ट किया। लॉक स्क्रीन होने पर जैसे हम ए बनाएंगे हमारा डायरेक्टली जो हमने सेलेक्ट किया था एप्स वही यहां पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहां पे ये भी आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ और भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि एम का भी फीचर मिल जाता है, आप एम से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं एंड डब्ल्यू से भी आप कुछ सेलेक्ट यहां पर कर सकते हैं। फोन में आपको स्मार्ट कॉल सेटिंग के फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिनको सेट करने के बाद इस फोन की कॉल को आप स्मार्ट बना सकते हैं। जिसको बनाने के लिए आपको चले जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है, जिसको आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, इस फीचर को ऑन कर लीजिए। आप कभी भी आपके फोन पर कॉल वगैरह आता है उसको आंसर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप रिंग होते फोन को कान की ओर ले जाइए, कॉल आपका ऑटोमेटिकली यहां पर आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलता है ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव, इस फीचर को आप ऑन करा के अपने जो हैंड फ्री स्पीकर होता है उसकी आवाज कान वाले रिसीवर के लिए स्विच कर सकते हैं। जैसे ही फोन आप अपने कान की ओर ले जाएंगे आवाज ऑटोमेटिक कान वाले स्पीकर में आना शुरू हो जाएगी, तो आपको ये फीचर ऑन करके रखना है। थर्ड नंबर पर आपको फीचर देखने को मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का, इस फीचर को ऑन करके आप अपनी कॉल कोई भी कॉल होगी उसको म्यूट करना चाहते हैं तो फोन को फ्लिप कर दीजिए या फिर फोन को फ्लिप करके रख दीजिए, तब अभी आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये फीचर देखने को मिल जाते हैं इस फोन के अंदर स्मार्ट कॉल के। इस फोन में आपको थ्री बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं, आप चाहें तो इन्हें हाइड करके इस फोन में जैसा नेविगेशन का भी यूज कर सकते हैं। एंड जेस्चर की मदद से आप एप्स को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, तो चलिए कैसे उसका यूज कर पाएंगे जानते हैं। चले जाइए फोन की सेटिंग में, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको एडिशनल सेटिंग दिखेगा, यहाँ क्लिक करने के बाद सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको जैसा नेविगेशन यूज करना है तो जेस्चर पर क्लिक करके यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखोगे आपके बटन हाइड हो जाते हैं, जैसे नेविगेशन यहाँ पे सेट हो गए हैं। अब आपको दो फीचर देखने को मिलेंगे, ये दोनों आप ऑन करके रखिए। अब जैसे कि सेटिंग से पहले आप जिस एप्स का यूज कर रहे हैं तो उसमें जाने के लिए सिंपल आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, तो आप किसी भी एप्स के अंदर कुछ इस तरह से स्विच कर सकते हैं। जैसे कि हम सेटिंग में काम कर रहे थे तो यहाँ पर सेटिंग में आ गए, वापस उस एप्स में जाने के लिए इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक करने के बाद ये सेटिंग का यहाँ पे यूज कर पाएंगे, तो काफी अच्छा फीचर यहाँ पे ये हो जाता है अगर आप जेस्चर का यूज करते हैं। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है, इसको ऑन करने के लिए चले जाइए फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है वन हैंडेड मोड, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। कभी भी आप फोन वन हैंड मोड के लिए यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको क्लिक करना है, तब आपका फोन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। ये आपका जब भी वर्क करेगा जब आप इस फोन में जस्ट नेविगेशन का यूज करते हैं, बटन सेलेक्ट नहीं होंगे, तब आप इस फोन में इस तरह से वन हैंडेड मोड को ऑन करा सकते हैं। इस फोन में आपको डुअल एप्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस फोन में डुअल ऐप को बनाने के लिए फोन की सेटिंग में जाके आपको सर्च करना है एप्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐप क्लोनर। यहाँ क्लिक करने के बाद जो भी एप्स आपको
यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उनका आप इस फोन में डुअल ऐप यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर जो भी एप्स आपको देखने को मिल रहे हैं आप उनका रीनेम कर सकते हो। जैसे कि आपको कैमरा किसी और नाम से ओपन कराना है तो इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड कीजिए, यहाँ पे एक आइकन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब आप इसको यहाँ पे कैमरे की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, अपना नाम सेट कर सकते हैं, तो उसी नाम से आपका ये कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी एप्स का आप रीनेम कर सकते हैं, सभी एप्स का सपोर्टेड रहेगा, तो जिसका आप जिस नाम से यहाँ पे एप्स शो कराना चाहते हैं नेम वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस फोन में आपको बहुत सारे ट्रांजिशन देखने को मिल जाते हैं, जब स्क्रीन का पेजेस को कुछ इस तरह से आप चेंज करते हैं तो एक यहाँ पे चेंजेस करते समय आप इफेक्ट्स को यूज करा सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन को लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करना है, आपको मिल जाएगा ट्रांजिशन, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट तरीके ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे, स्क्रीन पर आप किस तरह का ट्रांजिशन सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, उसी तरह से आपको ये स्क्रीन पर एप्स दिखाई जाएंगे कुछ इस तरह से, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस फोन में आपको एंड्रॉइड एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड का यूज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर टू फिंगर से पिन करने के बाद मोड पर क्लिक कर लीजिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन मोड। इस पर क्लिक करने के बाद अगर स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पर सेट हो जाते हैं, यहाँ पर आपका एंड्रॉइड डिसेबल हो जाएगा, तो सभी एप्स अब अपनी होम स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। आप इस फोन की स्क्रीन को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप जो कंट्रोल देख रहे हो यहाँ पर इनका कलर आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे अपना फेवरेट कलर सेट कर सकते हो, इनका शेप चेंज कर सकते हो, होम स्क्रीन पर जो एप्स आप देख रहे हैं इनका भी आप यहाँ पे शेप बदल सकते हो। तो सभी कस्टमाइजेशन को करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाके देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस पर क्लिक करना है एंड अलाउ पर क्लिक कीजिए। सभी कनेक्शन को अप्लाई करने के बाद आपको आइकन्स पर क्लिक करना होगा, अगर आप आइकन का जो साइज है वो चेंज करना है या फिर इसका शेप चेंज करना है तो वो यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे। मोर पर क्लिक करने के बाद आप डिफरेंट तरीका यहाँ पर शेप सेट कर सकते हैं, आपको जो भी शेप अच्छा लगे उसको आप सेट कर लीजिए। एंड यहाँ पे आइकन्स को आप इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं, ये भी फीचर मिलेगा। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट का नेम है वो आप ऐप का नेम भी यहाँ पे रिसाइज कर सकते हो, तो ये बहुत सारे डिफरेंट फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पर आके आप सेट कर लीजिए। इसके बाद आप कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप कलर देख रहे हैं इनका कलर बदल सकते हैं, तो डिफरेंट कलर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसको भी आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वही कलर आपका सेट हो जाएगा। इसके अलावा आप जो भी वॉलपेपर को सेट किए हुए हैं उसमें कितने कलर हैं उसके हिसाब से भी आप अपने कंट्रोल में जो कलर आपको देखने को मिलते हैं उनको आप अप्लाई करा सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये फीचर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसका शेप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग पर क्लिक करना होगा। अब आपको डिफरेंट यहाँ पे आपको जो एक्सेस मतलब जो कंट्रोल पैनल है उनका जो शेप है वो बदलने का फीचर मिल जाता है। अब आप देखोगे कुछ इस तरह को आपको देखने को ये मिल जाएंगे। इस फोन में आपको वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका फोन 8GB तो आप 8GB रैम और भी इस फोन के अंदर बढ़ा सकते हो, तो टोटल जीबी हो जाएगा आपका 16GB। तो आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो चले जाइए फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको अबाउट फोन पर क्लिक करना है। अब आपको रैम जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके जितना जीबी के रैम बढ़ाना है वो ऑप्शन आपके सामने रहेगा, तो आप जितना जीबी बढ़ाना चाहते हो उस पर क्लिक करके फोन को रिस्टार्ट कीजिए, आपकी फोन की रैम यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको रैम बढ़ाने का भी फीचर फोन में मिल जाएगा। इस फोन में आपको किड्स स्पेस का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाके आपको मिलेगा स्पेशल फीचर, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा किड्स स्पेस, इस पर क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और स्क्रीन लॉक वगैरह सेट कर लेना है फोन का, जिसके बाद आप यहाँ पर कोई भी कोड वगैरह सेट कर सकते हो। जिसके बाद आपको यहाँ पे लॉक लगाने के बाद जो स्क्रीन लॉक रहेगा मेन वो आपको सेट करना है, जिसके बाद आपको किड्स स्पेस रहेगा उसका लॉक आपको सेट करना रहेगा। तो यहाँ पे आप जिस एप्स की परमिशन देना चाहते हैं वो इस तरह से आप ऑन करा दीजिए, कितने समय तक आपका किड्स स्पेस काम करेगा वो आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये फीचर मिल जाएगा कि आप आई कंफर्ट यहाँ पे सेट करना चाहते हैं नहीं, तो सब आप सेट कर लीजिए, तो आपका किड्स स्पेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जिस एप्स की आपने परमिशन दी होगी वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसको यहाँ क्लिक करने के बाद एग्जिट पर क्लिक कीजिए, अब आपका होम स्क्रीन का जो मेन लॉक है वो आपको सेट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे आपका जो किड्स स्पेस है यहाँ से इस तरह से क्लोज भी हो जाता है। जब इस फोन का आप नेट यूज करते हैं तो उसकी स्पीड क्या रही है वो भी आप फोन में शो करा सकते हैं। इस फोन में नेट स्पीडर देखने को मिलता है, इसको ऑन कराने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर क्लिक करना है। अब आपको स्टेटस बार पर यहां क्लिक करना होगा, जिसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को यहां से ऑन कर दीजिए, आपके फोन में नेट स्पीड यहां पे फिर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फोन की जो बैटरी स्टाइल है आप यहां पर आने के बाद वो भी चेंज कर सकते हो, जिसके लिए आपको बैटरी स्टाइल पर क्लिक करना होगा। अब आपको तीन स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड लूप, तो जो भी आपको सेट करना है बैटरी स्टाइल वो आप यहां से सेट कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी।
जब आप इस फोन को पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। आप चाहें तो इसे रिप्लेस करके पावर मेन्यू के लिए भी सेट कर सकते हैं। वैसे इस फोन को दो तरह से आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, इस तो आपका अप बटन एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस कराइए तो ये स्विच ऑफ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर चाहें तो आप इसको रिप्लेस करके भी रख सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको सेट कर पाएंगे। तो उसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग। अब आपको मिल जाता है पावर बटन का फीचर, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और पावर मेन्यू के लिए सेलेक्ट कर दीजिए। अब आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे पावर बटन को तो आपको पावर ऑप्शन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको बाय डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्ड का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कराने के लिए पहले आपको यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और एडिट टाइटल आपको नजर आएगा, यहाँ क्लिक कर लीजिए। बैकग्राउंड में आप नीचे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डर, जिसको आपको क्या करना है ऊपर की ओर ऐड करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह से क्लिक करने पर ये ऊपर आपका ऐड हो जाएगा। अब स्क्रीन रिकॉर्ड सेट करने के लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डर सेटिंग के ऊपर टैप एंड होल्ड करना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का फीचर देखने को मिलेगा। आप ऑडियो को सेट कर सकते हैं, क्या ऑडियो रिकॉर्ड कराना हो, डेफिनेशन को सेट कर सकते हो किस डेफिनेशन में स्क्रीन रिकॉर्ड करना हो। इसके अलावा आपको रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो का फीचर मिलेगा, जिसमें आप वीडियो को रिकॉर्ड करते समय फ्रंट कैमरे से अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करा पाएंगे। तो इस तरह से फोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिल जाता है। इस फोन में आपको डार्क मोड का भी फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप अगर चाहें तो यहाँ कंट्रोल पैनल में ऐड करा सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और एडिट टाइटल पर जाइए। नीचे की साइड में आपको बहुत सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, तो यहीं पर आपको डार्क थीम का फीचर मिल जाता है, जिसको आप इस तरह से ऐड करा लीजिए, ये ऊपर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करने पर फोन को डायरेक्टली डार्क मोड पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेटिंग भी कर सकते हैं डार्क मोड की, जिसके लिए आप इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पर आपको डार्क मोड सेटिंग पर क्लिक करना है। 3 डिफरेंट तरीके आप डार्क मोड सेट कर पाएंगे, मिडिल एंड यहाँ पर जेंटल का फीचर मिल जाता है, तो जितना ज्यादा डार्क करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, मीडियम यहाँ से सेट कर सकते हो, तो ये भी आपको फीचर मिल जाता है। यहाँ पर आप ये भी सेट कर सकते हैं किस समय आपका ऑन होना चाहिए, किस समय बंद होना चाहिए, तो यहाँ से इस फीचर को ऑन करा के कस्टम पर जाइए। स्टार्ट टाइम आप यहाँ से लगा सकते हैं एंड डार्क टाइम यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। सनसेट टू सनराइज के लिए सेट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये काम करेगा, नाइट होते ही इनेबल होगा और दिन होते ही हट जाएगा। इस फोन में आपको आई कम्फर्ट का भी फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए आप अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करा के यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये आपका सेट हो जाता है। अगर ऑलवेज ऑन कराना है तो आप देखोगे आपकी फोन का स्क्रीन कुछ येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा। इसका कलर भी आप टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लो और कितना हाई आपको करना है, तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इस फोन की वाईफाई एंड हॉटस्पॉट दोनों ही आप एक साथ यूज कर सकते हो, जैसे कि आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड है और इसका शेयर करना चाहते हैं डाटा हॉटस्पॉट की मदद से, तो दोनों को एक साथ यहाँ पे ओपन करा लीजिए। इसका डाटा अब आप यहाँ पे हॉटस्पॉट के जरिए सेंड कर सकते हैं। इस फोन के रीसेंट मेन को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी एप्स आपके बैकग्राउंड में काम करते हैं उनका सभी का कॉन्टेंट शो होता है, तो आप चाहें तो किसी भी एप्स का कॉन्टेंट हाइड कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हाइड कंटेंट का फीचर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी एप्स तुमने हाइड कर रखे होंगे उनका कंटेंट शो नहीं होगा, एंड यहाँ पे जब आप क्लोज ऑल पर क्लिक कर देते हैं तो सभी आपके बैकग्राउंड के एप्स क्लोज हो जाते हैं। चाहे तो आप किसी भी एप्स को यहाँ पर लॉक करके रख सकते हैं, वो क्लोज आपका नहीं होगा। तो इसके लिए 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद लॉक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे सभी एप्स क्लोज हो जाएंगे, जो भी आपने लॉक किए हैं वो आपके यहाँ से क्लोज नहीं होंगे। जब इस फोन के रीसेंट मेन को प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको रैम इन्फॉर्मेशन शो होता है। अगर आप इसको ऑन कराना चाहते हैं तो यहाँ 3 डॉट पर जाइए, आपको मिलेगा मैनेज, मैनेज पर क्लिक करने के बाद डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ से ऑन कर दीजिए। आपका रैम कितना यूज हो रहा है वो यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ यूजफुल फीचर्स फोन के, जिनके बारे में आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।